नमस्कार बच्चों, आज है 7 अगस्त वर्ष 2021 और 10th में साइंस 1 में सेकेंड चैप्टर जो तत्वों का वर्गीकरण है उसमें हम लोग स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा कर रहे थे। और इसमें ये जो प्रश्न नंबर 4 में जितने भी उप प्रश्न हैं वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वहाँ तक। अब आइए शुरू करते हैं पाँचवा, किए गए वर्णन के आधार पर तत्वों के नाम और उनके संकेत लिखने हैं। नाम लिखना है और संकेत लिखना है। सबसे छोटे आकार वाला परमाणु, मैंने आपको बताया था सबसे छोटा कौन रहेगा, जिसमें सबसे कम कवच हो या फिर बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, दो चीजें देखनी है। तो यहां पर देखो, सबसे छोटा जो आकार वाला है वो परमाणु होगा, वो जो है हाइड्रोजन का परमाणु होगा। सबसे छोटे आकार वाला परमाणु हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें एक ही कवच होती है। ठीक है, दूसरा सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला, तो जो सबसे छोटा है वही सबसे कम द्रव्यमान वाला होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन नहीं होते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ये सबसे द्रव्यमान इसका सबसे कम है। सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला परमाणु, सर्वाधिक विद्युत ऋण, विद्युत ऋण मतलब हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने पे माइनस होना चाहिए, यानी अधातु। विद्युत ऋण मतलब अधातु, यानी सबसे छोटा अधातु। सबसे छोटा अधातु कौन सा होगा? तो फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा सबसे कम आवर्त वाला। तो पहले आवर्त में तो दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन तो अपवाद में है, इसलिए हम लोग इसको इसकी गिनती नहीं करते हैं, और ये निष्क्रिय गैसीय तत्व है इसलिए इसकी भी बात नहीं करेंगे, और हम लोग ये 17 ग्रुप तक ही बात करेंगे। तो देखो, दूसरा जो आवर्त है इसमें दो कवच होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो F में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ही कवच है लेकिन बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए सबसे छोटा अधातु यही हुआ ना F। तो सबसे छोटा विद्युत ऋण, सबसे अधिक विद्युत ऋण वाला तत्व तो हो गया आपका फ्लोरीन। फिर सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला निष्क्रिय तत्व, मतलब लास्ट निष्क्रिय तत्व किसमें? 18वें समूह में है। इसमें सबसे छोटा कौन सा रहेगा? हीलियम रहेगा, हीलियम रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही कवच है, केवल सिर्फ एक ही कवच है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, तो यही है जो सबसे अधिक विद्युत ऋण वाला था। जो सबसे छोटा अधातु है वही सबसे अधिक विद्युत ऋण वाला भी होगा, और वही सबसे अधिक क्रियाशील भी होगा। ठीक है, अब टिप्पणी लिखना है, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव के आवर्त नियम में आप क्या करेंगे, ये लिख देना कि मेंडलीव ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा। माइक किसी का चालू है? यहां पर विशेषता नहीं पूछा है बेटा, हमको मेंडलीव का आवर्ती नियम बताना है। तो कैसे, पहले तो ये बताओ कि कैसे अरेंजमेंट किया मेंडलीव ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या था? मेंडलीव का आवर्ती नियम था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु
परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, है कि नहीं? और इस नियम के कारण क्या फायदा हुआ? इस नियम के कारण फायदा यह हुआ कि उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे सबका सफलतापूर्वक वर्गीकरण हो पाया, सबका सफलतापूर्वक वर्गीकरण हो गया। तो इतनी बातें आप इसमें लिख सकते हो ना, मेंडलीव के आवर्त नियम में टिप्पणी लिखनी है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, इसमें आपको मैंने समझाया था, पेज नंबर कौन से पेज पे समझाया था आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, देखो पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21 पे मैंने आधुनिक आवर्त सारणी की रचना समझाई थी। क्या क्या समझाई थी? 7-36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, फिर ये आवर्त और समूह से चौखट तैयार होते हैं और हर चौखट में ऊपर परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है, 7-36 पंक्तियों के नीचे दो स्वतंत्र रूप से दो पंक्तियां हैं जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं, फिर इसके चार खंड हैं, एस खंड, पी खंड, डी खंड, ऐसे चार खंडों में वर्गीकरण किया गया है जिसमें से एस खंड समूह 1 और 2 है, समूह 13 से 18 को पी खंड में लिया गया है, समूह 3 से 12 डी खंड में है, और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी है वो क्या है, आपका ये एफ खंड है, SPDF खंड है। फिर उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिसके बाईं ओर धातुएं हैं, दाहिनी ओर अधातु हैं, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे जो धातुएं हैं वो धातु सदृश हैं, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की रचना में लिख दोगे समस्थानिकों का मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान। समस्थानिक का मेंडलीव की सारणी में स्थान नहीं हो, निश्चित नहीं हो पाया था। क्यों निश्चित नहीं हो पाया था? क्योंकि समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए समस्थानिकों का मेंडलीव की सारणी में स्थान निश्चित नहीं हो पाया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित हो पाया था। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनके गुणधर्म भी समान होते हैं, इसलिए उनको एक निश्चित स्थान मिल गया। दोनों चीज़ समान मिल गई, परमाणु क्रमांक, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर वर्गीकरण किया गया था और परमाणु क्रमांक भी समान रहता है समस्थानिक का और गुणधर्म भी समान रहता है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में उनको एक निश्चित स्थान मिला। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, लिख लोगे? फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती जाती, समझाया था मैंने। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, एक ही कवच में सबसे बाहरी जो कवच है उसी कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं। इसके कारण प्रोटॉन तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता जाता है। हाँ, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो क्या होता है, सबसे बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, एक एक करके बढ़ती है। इसके कारण बाहरी कवच के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता जाता है जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और इसलिए त्रिज्या कम कम होती जाती है। यही आंसर है ना। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, धात्विक गुणधर्म कहते किसको हैं। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन बाहरी कवच के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बनाने के गुणधर्म को धात्विक गुणधर्म कहा जाता है। फिर आगे समझाओ कि कम क्यों होता जाता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी एक एक करके बढ़ती जाती है, इसलिए बाहरी कवच के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता जाता है।
जिसके कारण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना कठिन होता जाता है, और इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुणधर्म कम कम होते जाते हैं। तो ये वीडियो में भेजूंगा, इसमें से सुन करके आप आंसर लिख लेना और उसे फिर तैयार कर लेना। फिर है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। कल ही मैंने समझाया था आपको, समूह में ऊपर से नीचे जब हम बढ़ते आते हैं तो क्या होता है, एक एक कवच की संख्या बढ़ती जाती है, और बाह्यतम कवच में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या समान रहती है, वो नहीं बढ़ता है। तो इसके वजह से क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और इसीलिए परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। फिर अगला प्रश्न, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान क्यों होती है? तो पहले तो ये लिखो कि संयोजकता किस पर निर्भर होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। फिर क्या लिखना, समूह के सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। तो दो कारण है इसका, पहला कारण जो संयोजकता है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है, दूसरा कारण समूह के सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इन दो कारणों की वजह से एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। तीसरे कवच की इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता 18 होने पर भी तृतीय आवर्त में 8 तत्व ही क्यों हैं? तो ये इसलिए है क्योंकि तीसरे आवर्त में तीसरा कवच ही अंतिम कवच है, और इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कवच में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए तृतीय आवर्त की क्षमता 18 होने पर भी उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, तीसरे कवच की क्षमता 18 होने पर भी तृतीय आवर्त के तीसरे कवच में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और इसीलिए तृतीय आवर्त में केवल 8 तत्व ही हैं। समझ में आ गया? आप देखो, दिए गए वर्णन के आधार पर उत्तर लिखना है। के एल तथा एम इन कवच में इलेक्ट्रॉन होने वाला आवर्त, तो कितने कवच दिए हैं यहां, तो कौन कितना, तो कौन सा आवर्त होगा, ये तीसरा आवर्त। जितने कवच, जितनी कवच की संख्या वही आवर्त की संख्या। के एल एम तीन कवच, तो ये कौन सा वाला आवर्त होगा, तीसरा आवर्त होगा। शून्य संयोजकता वाला समूह कौन सा है, 18 वाला समूह, 18 समूह, 18 समूह, 18 18 समूह शून्य संयोजकता वाला है। संयोजकता एक वाला अधातु का वंश कौन सा है, हेलोजन है, 17 समूह में है ना। फिर समूह एक धातु का वंश, तो क्षारीय धातुएं। संयोजकता दो वाले धातु का वंश, भू क्षारीय धातुएं। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के धातु सदृश, बोरॉन और सिलिकॉन। फिर तृतीय आवर्त के आधातु, तृतीय आवर्त के आधातु फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। संयोजकता चार होने वाले दो तत्व, कार्बन और सिलिकॉन। मतलब चार किसकी होगी, जो 14वां समूह होगा उसी में जितने तत्व हैं उसकी संयोजकता चार ही होगी। तो 14वें समूह में जो तत्व है उसका कोई भी दो तत्व लिख देना। तो ये इसके साथ ये दूसरा चैप्टर खत्म होता है बेटा। अब हम लोग शुरू करें ये तीसरा चैप्टर। चलो तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें देखो ये सारी चीजें तो ओमिट कर दिया गया है इस साल, इसलिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ये बॉक्स भी ओमिट कर दिया गया है।
सिर्फ एक कृति दी गई है, एक कृति दी है, इसमें रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं। अब इस कृति में क्या दिया है कि ये पांच यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए हैं, ये पांच प्रयोग करने हैं और उस जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी निरीक्षण होगा वो इस टेबल में, इस तालिका में लिखने हैं। तो ये एक्चुअली इसको करके देखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब में आप इसको आप टाइप करोगे ना तो आपको एक्टिविटी, आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो यूट्यूब में डायरेक्ट। तो यूट्यूब में देखोगे तो आपको ये सारे चीज आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन देख करके। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाष्पन पात्र में एक चम्मच चूने का पत्थर, चूने का पत्थर यानी CaCO3 लेना है, जैसे यहाँ लिया है देखो चूने का पत्थर, और उसे तीव्र नीली ज्योत से भरपूर गर्म करना है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उड़ जाएगी। तो CO2 उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, CaO ही बचेगा ना, CaO ही बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। समझे कि नहीं ये रिएक्शन। अब इसका ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखना है, रंग में परिवर्तन होगा क्या, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी सफेद रंग का है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सफेद रंग का ही है, तो इस रिएक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा कलर में, तो रंग में परिवर्तन नहीं। मुक्त होने वाली गैस कौन सी है, CO2 गैस, CO2 गैस मुक्त हो रही है, तो यहां मुक्त होने वाली गैस है CO2। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर ये परिवर्तन का प्रकार कौन सा हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा रिएक्शन देख लो, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन कैसे होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, नीले रंग का एक द्रव लिक्विड होता है। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है मैं बता दे रहा हूं आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का है, इसमें अगर आप जिंक जस्ता डालते हो तो होता क्या है, ये कॉपर के जगह पे जिंक आ जाएगा, कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ZnSO4, और ये जो कॉपर है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो नीले रंग का था इसका कलर आप गायब हो जाएगा, मतलब फीका हो जाएगा, रंगहीन, ज़्यादा देर तक अगर रखेंगे जिंक को इसके अंदर तो रंगहीन हो जाता है, कोई गैस नहीं बनती है। तो ये रिएक्शन भी आप लोग लिख लेना इसको नोटबुक में, सेकंड वाली रिएक्शन। तो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन देखो, नीले से क्या हो गया, रंगहीन हो गया, कॉपर सल्फेट नीला था, फिर जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 जब बना तो वो रंगहीन हो गया, तो रंग में परिवर्तन क्या हुआ, नीले से रंगहीन, कोई गैस नहीं निकली है। इसमें तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और यह रासायनिक परिवर्तन है। तीसरी कृति देख लेते हैं, BaSO4 और K2CrO4, ये रिएक्शन आपको आपकी किताब में ही मिल जाएगी। कौन से पेज पे मिलेगी बता देता हूं आपको, अच्छा ठीक है नहीं दिया है, चलो मुझे ही लिखना पड़ेगा, मैं ही लिखता हूँ। चलो ये मैंने कौन सी रिएक्शन लिखा था, सेकेंड वाली रिएक्शन लिखा था। अब मैं आपको थर्ड वाली रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ क्या क्या है वहाँ पे। थर्ड में BaSO4 है, BaSO4 बेरिलियम सल्फेट है, प्लस पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 BaSO4 प्लस K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो होगा क्या, देखो
इसमें जो CrO4 है और ये जो है माइनस में है, और ये SO4, ये अदला बदली हो जाएगा। अदला बदली हो जाएगा मतलब ये BaSO4 के जगह पे CrO4 आ जाएगा, बेरियम क्रोमेट। और यहाँ पर देखो K2 था ना, तो CrO4 के जगह पे यहाँ पे SO4 आ जाएगा, K2SO4। ये क्या है, ये आपका पीले पीले रंग का अवक्षेप है। ये K2SO4 क्या है, पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप किसको बोलते हैं, कोई लिक्विड में कोई लेयर आ जाती है ना, ठोस रूप में एक लेयर, उसमें एक सतह बन जाती है, एक ठोस सतह बन जाती है। जैसे दूध गर्म करते तो कैसे दूध के ऊपर एक दूध की मलाई कैसे ठोस रूप में जम जाती है, तो वैसे ही जब कोई रिएक्शन होता है और ऊपर इस तरह से कोई ठोस पदार्थ, उसमें कोई ठोस सतह तैयार होती है, तो उसे अवक्षेप कहते हैं। उसे नीचे ऐसे एरो करके दिखाया जाता है। तो यहाँ रंग में क्या परिवर्तन हुआ, पीले रंग का अवक्षेप बन गया। तो पहले कॉलम में क्या जाएगा, पीला अवक्षेप बनेगा। कोई भी गैस नहीं मिल रही है यहाँ पे, तापमान में वृद्धि होगी, ये भी रासायनिक क्रिया है। तो ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताया बेटा, वो आप याद रखना, क्योंकि आगे भी ये काम आने वाला है। इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। ये एरो आप यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब देखो यही रिएक्शन आपको इधर भी मिलेगा, पेज नंबर बता दे रहा हूं मैं। पेज नंबर 38 पे आप लोग अगर देखोगे, पेज नंबर 38 पे, तो देखो यहां पे भी वही है, BSO4 के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट डाला। तो यह कृति याद करने के लिए कह रहा है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं मैं, ताकि उस समय याद ना करना पड़े। निर्माण हुआ अवक्षेप का रंग कौन सा था, कौन पीला। अवक्षेप का नाम लिखिए, तो अवक्षेप का नाम क्या था, K2SO4। हाँ, K2SO4। फिर अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये रहा संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लेते संतुलित है कि नहीं, बी है यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, S यहाँ एक है, यहाँ भी S एक है। O देखो, O कितना है, O4 और 4 8, यहाँ पर भी O4 O4, यानी O8 ऑक्सीजन है। K2 यहाँ 2 है, यहाँ भी K2 है। Cr1 है, यहाँ भी Cr1 है। सारी चीज़ें संतुलित हैं, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया को क्या कहोगे, विस्थापन या फिर युग्म विस्थापन, तो ये बात का क्वेश्चन है। इसे एक्चुअली युग्म विस्थापन कहते हैं। जो भी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, इसका ऋण आयन इधर आ गया और इसका ऋण आयन इधर आ गया, तो आयनों की अदला बदली होती है और अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह युग्म विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है। तो देखो यहाँ पर यह सारी कृति मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से, तो ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। इस कृति में से सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसके सारे रिएक्शन जो मैंने आपको बताए वो लिख देना। पांचवा एक है, एक वाष्पन पात्र में थॉलिक एनहाइड्राइड लीजिए और कीप की नली का मुंह कपास से बंद कर दीजिए, कीप वाष्पन पात्र पर उल्टी रख दीजिए। ऐसा कोई पात्र लेना है, उस पात्र में आपको क्या लेना है, थॉलिक एनहाइड्राइड लेना है उसके अंदर। फिर इसके ऊपर कीप यानी जो छोटी कुप्पी होती, कुप्पी बोलते हैं ना हम लोग, वो उल्टा करके रख देना है इसके ऊपर, कीप की नली का मुंह, और कीप के नली का जो मुंह है वो रुई से बंद कर देना है ऊपर। अब क्या करना है, ऐसा तिपाई, जैसे यहाँ स्टैंड लिया है तिपाई स्टैंड, ऐसा स्टैंड ले करके उसको धीमी नीली ज्योति से उसमें ऊष्मा देना है। ऊष्मा देते समय
कीप के अंदर क्या दिखाई देगा? तो कीप के अंदर यही दिखाई देगा, ये जो थालिक एनहाइड्राइड है इसमें से वाष्प बनेगी और ये वाष्प जो है कीप की दीवारों पर पहुंचेगी और वहाँ ठंडी होकर के वहाँ पर इसकी बूंदें दिखाई देंगी, थालिक एनहाइड्राइड की बूंदें वहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर रंग में कोई परिवर्तन होगा? रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गैस नहीं निकलेगी, खाली अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तापमान में भी वृद्धि नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। वाष्पीकरण होना, उसके जो जली अंश है ना केवल वही भाप बन के उड़ेंगे, तो जल का भाप बनना ये एक भौतिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया नहीं होती। यहाँ तक समझ में आई बात? तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम लोग करते हैं। आपका होमवर्क यही है कि जो सारी पांच एक्टिविटी मैंने बताई है वो सब का रिएक्शन भी लिखना, जो मैंने आज लिखाया आपको। पांचवे का रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने नहीं लिखाया है, लेकिन पेज नंबर 31 है, 31 में ये पांच का एक से लेकर चार तक का सबका रिएक्शन लिखना, सबका जो अभी मैंने नोटबुक में करके दिखाया वो रिएक्शन, फिर ये सारणी कंप्लीट कर देना। यही आपका होमवर्क है, ठीक है? तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कितने लोग लेक्चर अटेंड किए थे ये पहले वो देख लें, 25 लोग आए हैं लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो फिर यहीं पर लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, आपका दूसरा लेक्चर भी होगा, ठीक है।